धन्यवाद दीपक सर, बहुत ही बढ़िया मैच। विश्वम्बे ने भी अपना दबदबा निर्माण किया, आसानी से ये जीत नहीं दी है भातान को। कह दिया आखिरी दम तक हम भी कुछ कम नहीं थे, लेकिन एक रन से ये मैच जीत गई भातान टीम। हार्ड लक विश्वम्बे टीम, लेकिन अपने खेल और अपना परफॉर्मेंस दिखाया, इसलिए सभी खिलाड़ियों को विश्वम्बे का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर ले। हार्ड लक मैच मैदान के अंदर चल रही है। इस बार फर्स्ट राउंड का आखिरी मैच, तुम दोनों जाओ और जल्दी आओ, तुम्हारे ऊपर हमारी नजर है। किधर भाग गए तो कंप्लीट करना पड़ेगी। चले मैच की शुरुआत कीजिए। अंपायर को विनती, और दो मैचेस होने वाले हैं। जेब के अंदर हाथ मत डालो, बहुत खाना टाइट खाया है। समाधान वास्कर और उनके साथ है, उनके साथ धार्य रोहित थाईकॉट। मुकाबला सिद्धिविनायक वहाल बनाम कुंडेवाल के बीच चल रहा है। कानोबा कुंडेवाल, तीन बजकर 54 मिनट हो चुके हैं और चार बजने के लिए 6 मिनट बाकी। वास्कर समाधान वास्कर, AK-47 जिसे कहते हैं, उल्टी टोपी पहनकर तैयार है खेलने के लिए। अंपायर देखिए, अपनी गॉगल देख रहे हैं, अपनी भी टोपी देख रहे हैं। मैच शुरुआत और पहली गेंद, वाल की गेंदबाज है प्रतीक पाड़ी। पहला मैंडेटरी पावर प्ले और पहली गेंद ऑफ साइड के ऊपर। इस बीच चार खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर, तीन खिलाड़ी दायरे के अंदर, 9 खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ी बाहर, 1 मिनट भी गए लॉन्ग ऑफ के ऊपर। ये फील्डिंग की हुई है रचना। प्रतीक पाटिल पहली गेंद फेंकेंगे समाधान वास्कर के लिए। समाधान वास्कर है तैयार इस गेंद को खेलने के लिए। 5 ओवर का मुकाबला, फर्स्ट राउंड का आखिरी मैच, 25 मिनट लगाया है। दोनों कप्तान ध्यान में रखिए, 20 मिनट के अन्दर 4 ओवर खत्म होना चाहिए, अन्यथा 1 खिलाड़ी अंदर लेके जाएगा। समाधान वास्कर के लिए गेंद, पूरा लोअर फुटा जरूर मिस फील्ड, और ये एक सिंगल, पहला रन मिला इस बार देगा समाधान वास्कर को। और पहले रन के साथ कानोबा कुंडेवाल टीम का खाता ओपन, स्कोर 1। पांचवर का मुकाबला है, पहला मैंडेटरी पावर पे चल रहा है। तमाम दर्शक किंजल ट्रॉफी, आदर्श ट्रॉफी 2023 के इस टूर्नामेंट को देख रहे। टूर्नामेंट का पहला दिन और पहले दिन में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। दूसरी बॉल, ज्यादा वक्त बर्बाद मत कीजिए। शांत वातावरण में भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी मैदान। दूसरी गेंद प्रतीक पाटिल की, ओ अच्छी बॉल, गुड डिलीवरी, सही टप्पा, तेज रफ्तार के साथ गेंद को फेंका था। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर 1 रन विदाउट लॉस कुंडेवाल टीम। और ऑन साइड के ऊपर खींचा हुआ शॉट है, घूम के खेल दिया इस शॉट को, अड़ा शॉट, एक सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के साथ प्रतीक रोहित गायकवाड़, जिन्होंने खुद का खाता ओपन कर दिया। और कानोबा कुंडेवाल टीम का स्कोर 2 के घर में। 3 गेंदें खत्म हो गई है, 3 गेंदें शेष स्पष्ट ओवर की। चौथी बॉल राइट ऑफ द विकेट, पुणे हाईवे एक्सप्रेस गेंदबाजी चल रही है। समाधान वास्कर, डीप स्टार क्षेत्र खाली है, ऑन साइड के ऊपर इस बार तक गजा घूम के खेल दिया शॉट को, 4 रन। बिल्कुल पनवेल प्रीमियर लीग और रायगढ़ प्रीमियर लीग में इस बल्लेबाज ने काफी धूम चक्र बना दिया था, बहुत ही बढ़िया उन्होंने खेल दिखाया था। रायगढ़ का जिन्हें हम AK-47 कहते, बाबू शाह कहते हैं।
था, सिक्स रन। और ड्राइव देखने को मिल चुका है, गैप में गेंद, लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी आई गेंद को उठाने के लिए, वास्कर ने दूसरा रन पूरा कर दिया, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। दो रनों के साथ कानोबा कुंडेवाल टीम का स्कोर आगे पहुंचाए, आठ के घर में अंतिम बॉल शेष, यानी कि आखिरी गेंद शेष इस ओवर की। अंपायर शैली चौहान साहब के एक्शन देखे, गंजन बलकर साहब एक हाथ कमर के ऊपर, कैमरे वालों की तारीफ करना पड़ेगी, परफेक्ट उन्होंने इस बार कैच किया उन्हें। और ठीक ठाक संपर्क नहीं, मगर सिंगल जरूर मिलेगा, और इस सिंगल के साथ देखा जाए तो पहला ओवर चौधरी साहब खत्म हो चुका है। फर्स्ट ओवर के बाद आप देख सकते हैं तो कानोबा कुंडेवाल टीम का स्कोर पहुंच चुका है 6-9 के घर में, विदाउट लॉस से काम चल रहा है। आने वाले 24 गेंदों का खेल शेष है, ज्यादा वक्त बर्बाद मत कीजिए क्योंकि और दो मैचेस होने वाले हैं। दोनों कप्तान ध्यान में रखिए, टाइम अलॉट किया हुआ है, 20 मिनट में चार ओवर खत्म हुए तो समझ जाइए एक खिलाड़ी अंदर लेके आ पाएंगे कप्तान। चार बज चुके हैं, चार बज चुके माधुरी साहब, चार बज चुके, चाय का टाइम है, पलकर साहब इशारा दे रहे हैं, और 24 गेंदों का खेल शेष है। उन्हें मालूम है हम बारिश में आते तो पहले वो चाय लाते हैं, विचार बन चुके, डीजे मास्टर भी हमें चेतावनी दे रहे, सुस्ती आ रही है उसे उठाना चाहिए, हम बार भी सोच रहे लेकिन तुम अंदर हो गए। 9 स्कोर, क्या आप देखिए कैसी बढ़िया है ब्लैक कलर की, मैन ऑफ द मैच के लिए, और 24 गेंदों का खेल शेष है। नेक्स्ट मैच भातान बनाम या से विनर टीम के साथ होगा मुकाबला। रोहित गायकवाड़ एक पे खेल रहे, समाधान वास्कर खेल रहे, इस बार देखा जाए यहां 8 रन पे, एक बाउंड्री एक डबल दो सिंगल के साथ। पप्पे भाई और ये उड़ाया, मिस टाइम शॉट, कैच की संभावना, पकड़ो, व्हाट ए कैच, वास्कर के पारी का खात्मा हुआ है और लॉन्ग रन के ऊपर लिया कैच, आते ही गेंदबाज ने इस खूंखार बल्लेबाज यानी कि समाधान वास्कर को पवेलियन के गली भेज दिया है, और टीम का स्कोर 9 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, वास्कर 8 रन बना के बैक टू द डगआउट। सुंदर कैच लपक लिया, बॉलर आए क्या, जो बॉलर मेरे हिसाब से प्रयास कोहली, जिन्होंने आते ही विकेट अपने टीम के लिए हासिल किया है, प्रयास कोहली ने माफ कीजिए कैच लपक लिया, जो गेंदबाज है घनश्याम जी ने इस कैच को लग के इस विकेट को हासिल किया, और नए बल्लेबाज मयूर वास्कर। आज के दिन के लिए एक ही पेन काफी, 12 दिन में 12 रंग के पेन आ जाएंगे इस टेबल के ऊपर, लेकिन व्हाइटनर क्या है, क्या बात है यार, टकाटक 9 पे स्कोर। ओ अच्छी बॉल, बहुत ही बढ़िया, गेंद को देखो और गेंद को मारो, ये महत्वपूर्ण है, अच्छी बॉल, सही टप्पा, सही लाइंथ लेंथ, स्टंप के ऊपर से गेंद चली, सही चवन्नी पे गेंद को फेंका है, कोई रन इस गेंद के ऊपर, राइट एम राउंड विकेट। और इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को रखा है, कोई रन नहीं है, लेंथ लाइन गेंदबाजी चल रही है, अचूकता, अनुशासन, डिसिप्लिन हम जिसे कहते हैं, सटीकता गेंदबाजी में देखने को मिल चुकी है। मयूर और विकेट कीपर गलती, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन है, क्या घातक गेंदबाजी चल रही है, किफायती गेंदबाजी चल रही है, पूरी तरह से मयूर वास्कर को बांध के रखा हुआ है। घनश्याम बाड़ी की वाड़ा गेंदबाजी, चार गेंदे डॉट चली गई, पहली गेंद के ऊपर विकेट, 3 लगातार गेंदे डॉट। और शानदार हुक किया, और वन बाउंड के साथ गेंद लॉन्ग लेग सी मारेगा के बाहर, शैलेश जी चौहान साहब इशारा दे रहे 4 रन, 4 के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुके हैं पलकर साहब।
13-12 दिनों का ये मेला है यहाँ। आओ किंजल ट्रॉफी अध्यक्ष ट्रॉफी का हर दिन आनंद लेते रहिए। ओ इस बार फिर से इन्होंने खड़े खड़े खेलने का प्रयास। ओवर की समाप्ति, इस ओवर में आए 4 रन, एक सफलता हासिल किया गेंदबाज घनश्याम पाटिल ने। सिद्धिविनायक वाल के एक सक्सेसफुल गेंदबाज, सक्षम गेंदबाज साबित हो चुके। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं कानोवा कुंडेवाल टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 13 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 ओवर के बाद 18 गेंदों का खेल शेष। पर चौधरी साहब देखिए अपने दाढ़ी को हाथ लगा रहे, क्या मेरे मैन की तारीफ करना पड़े, क्या अंपायर को कैद किया है, बहुत ही बढ़िया कैद किया। देखिए देखो एक रिप्ले में देखो, वाह सामने संतो दादा वो कैमरा ने आपको कैच किया है देखो। अरे हमारी नजर बहुत पार की है, हमें गाले गए, हम ढूंढते रहते कौन क्या क्या करता है। लेकिन कमर के बारे में जब हम बोले अंपायर के बारे में, दोनों अंपायर ने बत्ती से खोल दी थी। चलिए स्पीड अप कीजिए, टाइम पास मत कीजिए, सिद्धिविनायक वाल कप्तान, और 2 मैचेस होने वाले, योगदान दीजिए। आज का पहला दिन, कल 9:15 पहले रिपोर्टिंग होगी वाकलन बनाम और सही, और 9:30 पहली गेंद पढ़नी चाहिए। मैं नहीं है लेकिन तुम लोग जिम्मेदारी पकड़ो। तीसरे बॉलर आए सुजल गरत, और ये उड़ाया गेंद को, लॉब किया है, कैच मिलना संभव संभव बनाओ, लेकिन अच्छा वेल ट्राई, 2 रन इकट्ठा की, तीसरे के लिए पलट रहे। ये देखिए तीसरा पूरा, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, सूझबूझ के साथ 3 रन इकट्ठा कर चुके बल्लेबाज, और 3 रनों के साथ देखा जाए तो यहां कानोबा कुंडेवाल टीम का स्कोर पहुंचा है 16 के घर में, लॉस ऑफ 1 विकेट नुकसान पे। समाधान वास्कर 8 रन बना के कैच आउट हो चुके, लॉन्ग ऑन के ऊपर लिया, बहुत ही बढ़िया कैच। तीसरा ओवर जारी है, सुजल गरत का ये कोटे का पहला है, पारी का 3रा ओवर है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से, टप्पा जरूर पीछे रखा था लेकिन इस गेंद को खेलने के लिए इस गेंदबाज ने इस बल्लेबाज को मजबूर किया, गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ नहीं है। क्रिकेट में कही देना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है, आखिरी 4 बॉल शेष है इस 3रे ओवर की, और गई बाबू शाही से कहते क्या छोड़, छक्का। और 6-7 स्कोर आगे पहुंचा है 22-22। बेहतरीन उम्दा शॉट मिड विकेट के कंट्री में, मयूर वास्कर के बल्ले से छक्का आया और मयूर वास्कर पहुंचे खुद 10 पे, जिन्होंने मेरे हिसाब से इस बार देखा 7 गेंदों का सामना किया। रोहित गायकवाड़ खेल रहे इस बार देखा जाए, मेरे हिसाब से पालकर साहब आए 1 पे, कुल 4 पे खेल रहे, कुल मिला के 22 पे स्कोर कुंडेवाल टीम का। और जड़ में फेंकी हुई गेंद थी, देखिए जो पिचिंग बॉल की हो चुकी, थोड़ी सिस्टम से बार को इस बार ऑफ स्टंप को मिस करती हुई गेंद, अंपायर बता रहे लेग बाई का इशारा, और 1 सिंगल के साथ स्कोर पहुंच जाए 23 के घर में 23, लॉस ऑफ 1 विकेट। इस ओवर की आखिरी 2 बॉल शेष, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी चल रही, 3रा ओवर जारी है। दायरे के अंदर इस बार देखा जाए तो 5 खिलाड़ी है, और ये गेंद बाहर नहीं जा सकती मेरे हिसाब से, कि जा सकती है, और गई 6 रन के लिए। ग्राउंड छोटा है, बाउंड्री नजदीक है, लेकिन सिक्सर के बॉल है हमारे पास, क्या कमी है इस किंजल ट्रॉफी में। 24 इवेंट लाइव की क्लेरिटी, अंजन पालकर साहब इनकी शानदार इस बार देखा जाए लेखा जो का जो स्कोरिंग की भूमिका, दीपक पाटी सर इनके कंधों के ऊपर, कौन कल है कौन परसों हम पा रहे इसका पूरा लेखा जोखा। यजेश मात्री साहब जी का दिमाग याद रखे, ऐसा देगा तो मारेगा, नहीं तो तेरे को करेगा क्या यार, ऐसी फुल टॉस गेंद वो सेट हो चुका है, कौन छोड़ेगा, ये डीजे मास्टर भी मारेगा चक्का तेरे को। फुल टॉस डिलीवरी बैट्समैन के पास बहुत ही ताकत होती है, और 6-7 ओवर की समाप्ति की है, कितनी सुंदर बॉल फेंकी थी सुजल गरत ने, लेकिन आखिरी 2 गेंदे खराब फेंकी। पानी की मांग हुई है, पानी लेके जाइए,
छह के साथ हम देख सकते हैं कानोबा कुंडेवाल टीम का स्कोर 35-35, तीन षटकानंतर कुंडेवाल संघाची धावसंख्या 35, एक कडी बाद 35 तीन षटकानंतर। आखिरी दो ओवर शेष, वेग के साथीदार ये कौन है, इसका नाम क्या है? रोहन पाटिल बोरले के है, सब बोरले की टीम है। हमारे संदेश पाटिल साहब का दिमाग ही अलग है, चांबो चांबो की चश्मा देखने के बाद नरेंद्र हिरवाणी की याद आती है, उसके गाल टमाटर जैसे। पानी लेके जाओ, बारह कौन है, बारह पानी लेके जाओ, इसे बैठने में क्या है। समा भाई पानी लेके जाओ, वाल के का बारह खिलाड़ी, इनको भी सोचना है पानी लेके जाओ। तीन ओवर के समाप्ति के बाद कुंडेवाल टीम का स्कोर है हो चुका है 35, लॉस ऑफ वन विकेट 24 इवेंट की है शानदार क्लेरिटी। वे कुछ उन्हें सूचना दे रहे, कैसा डालने का, कुछ क्या करने का है। चांबोर वेग ये बहुत इक्का मोटे में है, कलंबुली में है, उनका बिजनेस है। कल मानगांव में जाएंगे, एक साल में ये 24 वाले किधर के जाते किसी को कुछ पता नहीं है। तिरुपति जाएंगे, वहां गोटा मत करो। 35-35 रन, अंपायर को पानी चाहिए तो पानी पियो। अंपायर अंपायर बहुत होशियार है दोनों, वो जानते हैं पानी पी के कुछ फायदा नहीं, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए जाएंगे किधर। 35 स्कोर, लोगों की उपस्थिति देखी है, तेजस मात्रे साहब के ऊपर प्यार है। 12 दिन में पूरी तरह से इस मंच के ऊपर मजा है, इस मैदान के अंदर सभी दिग्गज खिलाड़ी आने वाले हैं, खेल दिखाएंगे। 12 दिन का ये मेला महाराष्ट्र में इस ट्रॉफी का दबदबा है, नाम है ट्रॉफी का किंजल ट्रॉफी, आदर्श ट्रॉफी 2023, 12वां साल है। एक तब पूरा करने में तेजस मात्री साहब जी का दिमाग कितना मशहूर है, शतरंज की चाल है उनकी, बहुत बादाम खाए। 5वीं 14th गेंदबाज है घनश्याम, बैकफुट में जाकर इस गेंद को खेल दिया है, डिस्क रेसी मारेगा कि नजदीक गेंद को पकड़ लिया, एक और इसी के साथ दूसरे के लिए, लेकिन बढ़िया बैकअप गुड थ्रो, एक सिंगल मिलेगा, एक सिंगल के साथ स्कोर 36 के घर में। और उन्होंने तेज मद्री साहब जी ने कह दिया है, जब तक किंजल ट्रॉफी चलेगी तब तक कांचन पालकर साहब हमेशा स्कोर रहेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा, खाते बंद सभी के, ये प्रेम है। क्योंकि तेज मद्री साहब जी ने जाना है, ये गेंद अंपायर क्या है, वाइड है, देखिए अंपायर का पेट देखिए कैसा है, गोल। और एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 37-37 में, हंसी मजाक तो थोड़ी सी चाहिए यार, तभी मजा आता है। गेंद को देखो, प्रवीण दुगाड़े हमेशा कहते हैं देखो जानो और परखो मारो। सभी हंस रहे, अगली नेक्स्ट बॉल, और ये लॉब के हुक क्या है हवा में, जरूर कैच, छोड़ो कैच, रन आउट, आसमान से गिरे खचिर में अटके, अंपायर क्या फैसला है, आउट भाई। एक जगह जीवन दान तो दूसरी जगह रन आउट हो चुके, कहावत है हमारी। और इसी के साथ बल्लेबाज आउट हो चुके, और यहां देखा जाए दूसरा रन आत्मघाती साबित हुआ है, और एक सिंगल के साथ देखा जाए तो यहां कानोबा कुंडेवाल टीम का स्कोर बहुत पलकर साहब 38-38, दो विकेट के नुकसान पे। सिद्धिविनायक वाल टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है, इसके बाद मैच होगी श्रीदत्त भाटान बनाम इस टीम के विनर के साथ।
सुंदर हवा छूटी हुई शांत वातावरण में किंजल ट्रॉफी का धमाकेदार आयोजन नियोजन, खूबसूरत भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी साहब जी का यह मैदान, टकाटक आयोजन नियोजन, प्रसाद भोईर मैदान के अंदर नए बल्लेबाज चार नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए, और इस बार वाइड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, खराब गेंद, ज्यादा ही गेंद बाहर चली गई है, दिशाहीन भटकी गेंद और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 39-39, चौथा ओवर जारी है। प्रसाद भोईर सामने, प्रसाद भोईर देखते नहीं गेंद को, वो बस ऑन साइड के ऊपर खींचने के लिए तैयार है, लेकिन सही जगह पे गेंद आ चुकी है। मिडल स्टंप के ऊपर गेंद होती है, ऑफ स्टंप के ऊपर होती है, लेग स्टंप के ऊपर होती है, कौन सी गेंद कहाँ आती है ये देखना पड़ता है। अच्छी बॉल घनश्याम पाटिल की, घनश्याम पाटिल बार मैंने कह दिया ना, और छक्के के साथ स्कोर आगे, स्कोर पहुंच चुका है 45-45। आखिरी गेंद मेरे हिसाब से शेष होगी इस ओवर की, प्रयास कोहली देखिए ऐसे टकाटक है, बाउंड लाइन पे है, पैतालीस स्कोर, अंतिम बॉल शेष, और प्रसाद भोईर के बल्ले से शानदार छक्का है। पुणे हाईवे एक्सप्रेस के ऊपर देखिए कैसी सभी गाड़े तेज दौड़ रही है, और ये गेंद, ये भी बाहर, आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर हक्का बक्का, खटैक, 6 रन, समाप्ति ओवर की, 4 ओवर खत्म हो चुके और 4 ओवर के समाप्ति के बाद कानोवा कुंडेवाल टीम का स्कोर पहुंच चुका है 51-51, 50 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके 51 रन, और आने वाले आखिरी 6 गेंदे शेष, बहुत ही सही टाइम के साथ गेंदबाजी की है सिद्धि विनायक वाल कप्तान ने। आखिरी 6 गेंदे शेष, पारी का स्लॉग और डेथ और हनामारी का ये वोर है, और कांचन बलगर साहब इनके भाषे में कह जाते दया तोड़ दरवाजा, आखिरी ओवर, चलिए टाइम पास मत कीजिए, और 2 मुकाबले हैं। मेरे दाएं बाएं देखिए मेरे 2 अंगरक्षक है, एक तो यहाँ हमारे खली साहब, और दूसरी जगह देखा जाए तो हमारे डीजे मास्टर, दोनों की तबीयत इतनी मजबूत है कोई मैं हाथ भी नहीं मुझे लगा सकता। आखिरी 6 गेंद, लेकिन आजकल का जमाना, स्कोर 51 हो चुका है, 4 षटकार अंतर कुंडेवाल संघा जी धाव संख्या थी 51, 2 गड़ी बाद 51। आजकल का जमाना बहुत फास्ट है, पहले के जमाने में चिट्ठी के ऊपर प्यार चलता था, चैले चौहान साहब के जमाने में चिट्ठी के ऊपर प्यार चलता था, हमारे जमाने में लाल मिर्ची हरा देख याद आ गई तो फेसबुक के ऊपर बैठ, जमाना बदल गया है। पालकर साहब इनके जमाने में चिट्ठी जल्दी थी, हमारे जमाने में इंटरनेट और हो गए सब काम फिट। आखिरी 6 गेंदे और बॉलर आए साहिल ठोकर, साहिल ठोकर, साहिल तूने फुल टॉस दी है, क्या छावा में है, और ये क्या किया तूने भाई साहब, 6 आया, यही हुआ ना उस विश्वास पाटिल को, 6 पहली गेंद के ऊपर जब जीवन दान दिया तो सैकड़ा पूरा हुआ, ऐसे क्या ड्रॉप किया था, और 1 सिंगल के 1-6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है 57-57। आखिरी 5 बॉल शेष, लय में आए बल्लेबाज प्रसाद भोईर, 12 पे खेल रहे 2 छक्कों के साथ, फुल टॉस जरूर एक बार फिर से कैच, इस बार गलती नहीं कर चुके, इस बार कैच को लपक लिया और प्रसाद भोईर के पारी का खात्मा,
माफ कीजिए, या मयूर वास्कर की पारी का खात्मा हो चुका है। मयूर वास्कर अपने टीम के लिए मेरे हिसाब से 17 रनों का योगदान दे चुके, 2 छक्के, 1 सिंगल, 1 बाउंड्री के साथ, और 57 रन पे 3रा विकेट गिरता हुआ कुंडेवाल टीम का। और नई बल्लेबाज संदीप मात्री। आखिरी 4 बॉल शेष इस ओवर की। अंपायर की जोड़ी देखिए काफी तगड़ी है, संतोष दादा चौधरी साहब मैन फॉर्म सिरडोन और शैलेश चौहान साहब मैन फॉर्म करंजा। एक शाकारी तो दूसरा मांसाहारी, और ये प्रोटेक्शन मारो, निशाना परफेक्ट लगना चाहिए। शोले पिक्चर में आपने देखा होगा ना, धर्मेंद्र साहब जी ने जब क्या हुआ अंपायर, तीसरे अंपायर कमर के ऊंचाई के ऊपर, देखिए गेंद है कह रही, थर्ड अंपायर आइए। और पप्पा भाई का आज के दिन का मेरे हिसाब से 3रा ड्रेस, हाँ बहुत पैसा है उनके। अंपायर आपका डिसीजन क्या है, खुद अंपायर ने कॉल लिया है, देखो मात्री साहब। यस फेयर डिलीवरी। एक बार देखिए, थोड़ी सी गलती हो गई या यूट्यूब वाले के थोड़ा नीचे होना। देखिए चैले चौहान साहब आप आइए देखने के लिए, नहीं तो चौधरी साहब आप आइए, दोनों में से। तर सन्माननीय वीरेंद्र गावण यांचे पिताश्री नाता गावण साहेब यांचं आगमन झालेले मंचावर त्यांचं हार्दिक स्वागत। यस तो नो बॉल है, कमर के ऊंचाई के ऊपर गेंद है, तो अगली गेंद फ्री हिट है। रन आपकी जो 59 हो चुका है, अरे बाबा हम इंसान हैं। फ्री डे, और इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं है, डॉट गेंद की। इस बार देखा 1 रन आ चुका है और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है 60 रन। यानी कि 60 रन और की गेंद है अभी तक। पलकर साहब मेरे हिसाब से शेष है 3 बॉल शेष, और जोरदार प्रहार, फील्डर मौजूद गेंदबाज, और ये 6 रन आ चुके हैं और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है 66।
66 शानदार श्लोक इस बार देखा जाए। प्रसाद भोयर के बल्ले से इस बार देखा जाए, माफ कीजिए संदीप बाद्रे के बल्ले से इस बार देखा जाए, ये छक्का है और 6 के साथ स्कोर 66 के घर में 66। आखिरी दो बॉल शेष, दो संख्या 66 साइड फुल टॉस और इस बार देखा जाए हवा में लॉन्ग ऑन गुड कैच। सूरज की तीखी किरणें आंखों के ऊपर थी, लेकिन इस बार देखा जाए बल्लेबाज वापस आ रहे संदीप और 66 लॉस ऑफ 4 विकेट मैदान से बाहर जा चुके हैं। 7 रन बना के संदीप मात्रे वापस आ चुके हैं, 66 रन लॉस ऑफ 4 विकेट और आखिरी गेंद इस पारी के आखिरी ओवर की शेष। प्रथम भोईर अंतिम बॉल इस ओवर की, आखिरी चलिए मौसी जल्दी चलिए चलो अंतिम बॉल शेष है। ओ आईडी और कर जनरल बेगेदीप चौधरी साहब और इस बार रन आउट का मौका वहां बनेगा, आउट। 5 विकेट मैदान से बाहर जा चुके, इनिंग खत्म हो गई है। निर्धारित 5 ओवर में कानोबा कुंडेवाल समाधान वास्कर की टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 66 और जीतने के लिए सिद्धिविनायक वहाल टीम को 30 बॉल में 67 यानी कि 67 रनों की जरूरत है। ये 67 का पीछा करने में कैसी होगी बल्लेबाजी, कैसी होगी गेंदबाजी, दोनों अंपायर आए ऊपर जल्दी, टी का टाइम हो चुका है। 67 स्कोर 67 जल्दी आइए और फील्डिंग करने के लिए तुरंत जाइए कुंडेवाल टीम और बैटिंग करने के लिए सलामी बल्लेबाज भेजिए वाल टीम। 67 रन चाहिए जीतने के लिए, मैच के अंदर होगी मजा और इस मैच के बाद सेकंड राउंड का दूसरा मुकाबला होगा श्रीजत भातान बनाम यहां से विनर टीम के साथ। क्रिकेट का खेल आप सभी लोग देख रहे हैं, शानदार जानदार महाराष्ट्र के अंदर केंजल ट्रॉफी आदर्श ट्रॉफी 2023 का 12वें साल का ये सीधा विवरण हम दे रहे, सीधा आयोजन नियोजन देख रहे यूट्यूब के ऊपर, जो दर्शक हमारे आंखों के सामने उनका हार्दिक हार्दिक हम अभिनंदन कर रहे। लेकिन 67 का पीछा करने में सिद्धिविनायक वाल टीम की कैसी होगी बल्लेबाजी, कुंडेवाल टीम की कैसी होगी गेंदबाजी, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भविष्य हम जानते नहीं है क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। लेकिन वाल की बल्लेबाजी और इस बार देखा जाए तो कुंडेवाल की गेंदबाजी कैसी होगी, 67 का पीछा करने में क्या प्लान है, क्या गेंदबाजी का प्लान है, आइए सुनिए दीपक सर बाड़ी की जुबानी क्रिकेट की कहानी। हम लेते टी का चाय, मिलते अगले मैच के लिए, रखिए ख्याल, नमस्कार। हेलो।
थैंक यू सो मच अमित जी मात्र यांना तुम्ही ऐकत होतात. जाऊया मॅचच्या उत्तरार्धाकडे. 67 धावांचं टार्गेट मात्र सेट करण्यात आले. स्मित अँड प्रियांस 11, कानोबा कोंडेबाळ या संघानं न्यू यंगस्टर वहाळ या संघाच्या विरोधामध्ये. नयनथळी आपणास विनंती आहे की आपण मंचावर यावं. पहिल्या 3 ओव्हर्समध्ये आपण पाहिलं तर बऱ्यापैकी कंट्रोल होता, परंतु त्यानंतर घनश्याम पाटीलचे शेवटचे 2 चेंडू, ते 2 षटकार आले, तिथून थोडीशी मॅचमध्ये धावसंख्येला आकार मात्र येताना दिसला. प्रसादच्या त्या 2 षटकारानंतर मात्र थोडासा खेळ पालटला आणि मग शेवटच्या ओव्हरमध्ये सुद्धा धावा येताना दिसल्या. चांगलं टार्गेट मात्र सेट करण्यात आलंय. 67 धावा करायच्या, मागची मॅच पाहिली असेल तर जवळजवळ 100 झाल्याच होत्या. म्हणजे या मैदानावर धावसंख्येचा पाठलाग होऊ शकतो त्याची प्रचिती आपल्याला सगळ्यांनाच आले आजच्या खेळानंतर. आपण पाहिलं तर पाहूया 67 धावांचं टार्गेट डोळ्यासमोर ठेवून सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळते न्यूयॉर्क वहाळ संघाची ओळख, प्रतीक पाटील आणि प्रयास कोळी अशी सलामीची जोडी. 67 करायच्या आहेत. एका बाजूला समाधान भास्करचा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय. AK-47 वीरेंद्र गावंड, मयूर गावंड यांचे पिताश्री सन्माननीय नाथाशेठ गावंड साहेब सुद्धा या सामन्याचा आनंद घेतात. त्यांचा आम्ही मनाच्या अंतकरणापासून हार्दिक असं स्वागत करतोय. संध्याकाळचं सत्र आहे, थोडं स्पीडअप करा, वेळ फार कमी आहे. संध्याकाळची 7वी मॅच होणं सध्याच्या घडीला कठीण दिसतंय. सकाळच्या सत्रामध्ये 2 सामने जिंकून बसलाय इथे दक्षिण इलेव्हन करंजा हा संघ, परंतु थोडस कठीण कारण आता 4:30 वाजलेत. ही मॅच संपायला अजून 25 मिनिटं, त्यानंतर आणखीन एक मॅच आणि त्यानंतर मात्र मॅच खेळावी लागेल. खेळाडूंची इच्छा असेल तर नक्कीच मॅच होऊ शकेल. स्वीप केलाय पहिलाच बॉल प्रयास कोळीनं. 67 करायच्या आहेत. पहिली धाव धावसंख्ये धावफलकावर लागताना पाहायला मिळेल. सिंगल रन धावसंख्येचा श्री गणेश होतोय. एकेरी धाव. आज दिवसभरामध्ये सगळ्याच संघांचा चांगला खेळ पाहायला मिळालाय. स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी किंजल ट्रॉफी आणि आदर्श ट्रॉफी 12व्या वर्षामध्ये ही स्पर्धा 11 वर्ष यशस्वी प्रवास आणि ऑफिशियली दक्षिण इलेव्हन करंजा या टीमला इथून दुसरा दिवस दिला जाईल, कारण संध्याकाळची आजची मॅच एक होणार नाही हे आता मात्र जवळजवळ शिक्कामोर्तब झालंय आयोजक तेजसजी म्हात्रे यांच्या वतीनं. त्यामुळं आजची संध्याकाळची शेवटची मॅच होणार नाही हे फायनल. चांगला निर्णय मित्रमाने ना आयोजकांचा. स्वीप करण्याचा प्रयत्न यावेळेस बऱ्याच वेळेला. प्रयास कोळी म्हटला की असे तुम्हाला अनऑर्थोडॉक्स पद्धतीचे फटके नेहमीच पाहायला मिळतात. मग फाईन लेगला जास्त खेळतो, बऱ्याच वेळेला स्कूपी फटके खेळण्यासाठी तो ओळखला जातो, आणि सर्कलमध्ये खास करून बऱ्याच वेळेला धावा काढताना नेहमी दिसतो तो. समाधान भास्करचा हा चेंडू थोडासा बाहेरून चाललाय. पंच संतोष चौधरी सर आम्हाला इशारा देत असताना व्हाइट बॉल्स आहे. अतिरिक्त धाव धावफलकामध्ये. धावसंख्या 1 पुढे जाऊन पोहोचले ती 3 याकड्यावर. 67 करायच्या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये, त्यामुळं सुरुवातीपासून थोडस आक्रमक रूप दाखवावं लागेल तोच प्रयत्न. गुडघ्याचा आधार घ्या, स्वीप करण्याचा प्रयत्न. लेग स्टंपच्या बाहेरून चेंडू चाललाय. व्हाइट बॉल. आणखीन एक अतिरिक्त स्वरूपामध्ये धाव मात्र नोंदवली जाईल. धावसंख्या 1 पुढे जाईल. स्कोर जाऊन पोहोचतोय तो 4 याकड्यावर. 4 रन्स ऑन बोर्ड. संत सावत सुरुवात म्हणता येईल या ठिकाणी 67 करायच्या. त्यामुळे इथून जर आपण पाहिलं तर जवळजवळ 13-13.5 सरासरीनं मात्र धावा जमवाव्या लागतील. फॉलो थ्रू मध्ये समाधान भास्कर धाव येताना दिसत नाहीये. थोडासा निराश करतोय. सुरुवातीला आलाय प्रयास कोळी, परंतु 67 धावा करायच्या आहेत हे सुद्धा ओळखूनच मैदानामध्ये बॅटिंग होणं गरजेचं आहे. जरूर प्रतीक पाटील सारखा एक दमदार फलंदाज या स्क्वॉडमध्ये आहे. हो, स्विच करण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न. टायमिंग प्रॉपर नाहीये. पॉईंटकडे फक्त सिंगल मिळेल. प्रयासच करत राहिला या षटकामध्ये, परंतु आतापर्यंत अपेक्षेनुसार काही यश आलेलं नाहीये.
चांगली गोलंदाजी, चांगली गोलंदाजी समाधान वास्कर फलंदाजी मधून योगदान नाही दिलं परंतु गोलंदाजी मधून मात्र आपले योगदान देत असताना लोबफुल टॉस बॉल ड्राइव्ह केला ऑन साइडला, वेगवान स्ट्रोक या प्रतीकच्या बॅट मधून निघालाय गोळीच्या वेगाना, चेंडू सीमा पार चौकार. गरज होती एखाद्या फटक्याची, गरज तर होती कारण अगोदरपासूनच जर दबावाखाली खेळाल तर या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये या धावांचा पाठलाग करणं सुद्धा जड जाऊ शकेल न्यू हॅम्पशायर वहाळ संघाला. पहिला षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय आणि धावफलकावर धावा लागल्यात त्या नऊ धावा. प्रतीकनं पहिलं षटक टाकलं होतं त्यानं सुद्धा नऊ धावा दिल्या होत्या. थोडं स्पीडअप करत राहा. जाऊया दुसऱ्या षटकाकडे. गोलंदाजी मार्कवर मात्र सज्ज होते तो मोनिश पाटील. थोडस शांत क्रिकेट पाहायला मिळते. सकाळपासून खूप चांगलं क्रिकेट सगळ्यांनीच एन्जॉय केलं या मैदानावर. गोलंदाज मोनिश तयार. प्रयास हा प्रयास चांगलाय. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड साइड स्क्रीनच्या वरतून फेकला या बॉलला सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे. सहा धावांकरता षटकार. समोर चांगले ड्राइव्ह करू शकतो, चांगले फटके खेळू शकतो, मग बऱ्याच वेळेला थोडस उलट्या बॅटनं खेळणं, त्यानंतर स्कूपी फटके खेळणं. आजकाल पाहायला गेलं तर बऱ्याचशा यंगस्टर्स मध्ये हे प्रभाव वाढता चाललाय. अशा पद्धतीनं फटके खेळायचे, मग एखादा फटका कनेक्ट झाला मग तुम्हाला ते फटके तुम्हाला इंस्टाग्रामवर पाहायला मिळतात, स्टोरीजमध्ये पाहायला मिळतात, त्याच्या रील्स निघतात आणि अनेक आपल्या चाहत्यांच्या व्हॉट्सअप स्टेटसवर असे फटके पाहायला मिळतात. परंतु हे फटके खऱ्या अर्थानं सौंदर्य वाढवून देतात. गुडघे टेकून स्वीप करण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक आहेत पाठीमागे. स्क्वेअर लेगला मात्र जेल टिपला जातोय फलंदाज प्रयास कोळी. यावेळेस मात्र बाद होतील पहिला धक्का न्यू यंगस्टार वहाळ टीमला. यश प्राप्त झाले स्मित अँड प्रियांशी कान्होबा कुंडेबाळ या टीमला. मोनिश पाटीलला मात्र ही मिळाली सफलता, ब्रेक थ्रू मात्र मिळवून देत असताना गोलंदाज. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सुजल घरत येतोय डावखुऱ्या त्याचा फलंदाज. तर गोलंदाजी मार्कर मोनिश पुन्हा एकदा स्पीडअप करत राहा. सोडून दिलाय हा चेंडू लेग स्टंपच्या खूपच बाहेरून होता. पंच शैले चव्हाण सरांचा इशारा पॉइंट बॉलचा एक अतिरिक्त धाव धावफलकामध्ये नोंदवली जाईल. धावसंख्या एक ने पुढे चालले. 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते. फुल टॉस होता. आडवा बॅटनं ऑन साइडला मिड विकेट क्लिअर करणारा आल्या आल्या पहिला चेंडू फेस करत असताना सुजल घरतच्या बॅटमधून येतोय हा खणखणीत असा स्ट्रोक चौकार. सरळ बॅटवर दिला होता त्यामुळे सोपं झालं नवीन येणाऱ्या फलंदाजाला सेट होण्यासाठी. इथं संधी दिली ती मोनिश पाटील या गोलंदाजाला आणि या चौकाराच्या सहानं टीम टोटल मात्र जाऊन पोहोचले ती 20 आकड्यावर. 20 रन्स ऑन बोर्ड नाव 20 धावा धावफलकावर.
इथे मात्र थोडासा हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न, चांगला ऑफड्राईव्हचा फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. सिंगल झाले, एकेरी धावेनं होईल धावसंख्येमध्ये बदल. खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू होता बोनीसचा, परंतु तेवढ्याच चतुराईनं मी तर म्हणेन सुजलनं हा फटका सजवला होता. 67 धावसंख्येचं लक्ष आहे, सगळ्यांचं लक्ष खऱ्या अर्थानं वहाळ पाठीराख्यांचं लागलंय ते प्रतीक पाटील याच्या भूमिकेवर. दुसऱ्या बाजूला समाधानला माहिती आहे, प्रतीक पाटीलला लवकरात लवकर आपल्याला थांबवावं लागेल. या मॅचमध्ये काहीही होऊ शकतं, कारण 67 धावा नक्कीच मी तर म्हणेन या सिच्युएशनला थोडंसं कठीण होऊ शकेल. प्रतीक पाटील फक्त महत्वाचा खेळाडू, पॅटर्न ऑन साईडला जोरदार स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. ही ताकद आहे, प्रचंड ताकद आहे, आणि या ताकदीच्या जोरावर इथे मात्र चांगला ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. प्रतीकच्या बॅटमधून येतोय जाऊ चौकार. चार धावेने टीमची टोटल मात्र जाऊन पोहोचले ती 25 आकड्यावर, 25 रन्स ऑन बोर्ड. न्यूयॉर्क सर वहाळ हा संघ पाहायला मिळतोय. यानंतर भाताण विरुद्ध जिंकणारा संघ. उडवलाय ऑन साईडला, कडा प्रहार स्लॉट मध्ये होता आणि पाठवलाय त्याला. वाईड इस लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या वरतून ठोकलेला हा गगनभेदी आणि गगनचुंबी षटकार. जे काही आहे कुंडेबाळ संघाला लवकरात लवकर प्रतीक पाटीलला रोखावं लागेल, अन्यथा प्रतीक पाटील थांबला ना मग मॅच गेलीच म्हणून समजा कुंडेबाळ संघाच्या हातामधून. एवढी ताकद आहे आणि प्रचंड ताकद, बाहुबली आहे आणि तेवढ्याच ताकदीवर तेवढंच उत्कृष्ट टायमिंग साधत अनेक वेळेला पाहायला गेलं तर मोठ्या इनिंग्स मात्र या खेळाडून आपल्या टीमसाठी सजवल्यात. दर्जेदार खेळाडू उल्वे नोड परिसरामधील, लवकरच उल्वे नोड मध्ये तुम्हाला प्रीमियर लीग पाहायला मिळेल. जी नाईट स्पर्धा 3, 4, 5, 6, 7 जानेवारी नाईट स्पर्धा पाहायला मिळेल, आणि 6 डिसेंबरला तुम्हाला या प्रीमियर लीगचा लिलाव प्रक्रिया ऑक्शन सोळा शेलघरच्या हॉलमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि त्याची चर्चा सुद्धा फार मोठी आहे, कारण पहिल्यांदाच नाईटमध्ये प्रीमियर लीग होते, ओनली नाईट. दोन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर तब्बल 31 धावा, कारण मागच्या षटकामध्ये मोनिशा 22 धावा आल्यात, त्यामुळे थोडंसं महागड असं षटक. आता थोडंसं क्षेत्ररक्षण लांबवलं जात आहे, थोडं स्पीडअप करत राहा टीम कुंडेबाळ. अजून एक मॅच बॅलन्स आहे, उजेडामध्ये आपल्याला स्पर्धा संपवायची आहे. डावखुऱ्या त्याचा फलंदाज, अखू टप्प्याचा बॉल थोडासा हळुवारपणे आला होता, थोडासा धीम्या गतीनं सोडलेला, ओळखता आला नाही लवकर सुजल घरतला. एक धाव मिळाली, बाईचा इशारा पंचांचा येतोय. कम्प्लिटली बीट झाला होता, त्याला अंदाजच आला नव्हता एवढा स्लोवरवर येईल. आणि तीच थोडीशी वैविध्यता मात्र गोलंदाजीमधली पाहायला मिळते समाधान वासकरच्या. AK-47 नावानं मात्र खेळाडू ओळखला जातो, रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमधील एक दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडू. मोठ्या इनिंग्स नेहमीच त्याच्या माध्यमातून आपल्याला सातत्यानं अनेक मैदानावर मात्र पाहायला मिळतात, परंतु आता मात्र गोलंदाजीमधून आपली भूमिका निभावत असताना. परंतु आता समोर प्रतीक पाटील आहे, समाधान वासकर विरुद्ध प्रतीक पाटील, ही लढाई पाहायला मात्र प्रेक्षकांना आवडेल. चांगला बॉल थोडासा वेगानं टाकला होता, टप्पा पडल्यानंतर मात्र उसळी पाहायला मिळाली, आणि इथून मात्र भरधाव वेगानं मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय हा चेंडू. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. किंजल ट्रॉफी आदर्श ट्रॉफीचं हे 12वं वर्ष, सलग 11 वर्ष यशस्वी प्रवास राहिलाय या स्पर्धेचा. मोठ्या संख्येनं प्रेक्षकांची पसंती या स्पर्धेला आजपर्यंत मिळाले, उदंड असा प्रेम स्नेह भरभरून आशीर्वाद मात्र प्रेक्षकांनी दिलेत. म्हणूनच 12व्या वर्षामध्ये ही स्पर्धा यशस्वीतेच्या शिखरावर घेऊन जात असताना आम्हाला सुद्धा अत्यंत आनंद होतोय. हे सगळं क्रीडा रसिकांचं प्रेम आहे या स्पर्धेवर केलेलं. 54 ग्रामीण संघ तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसेल, 54 ग्रामीण टीम्स. फटका फसलाय, बॉल हवेमध्ये झेल टिपलाय, प्रतीक पाटील डिपार्ट, सगळ्यात मोठी सफलता मिळवून दिले ती समाधान वासकरनं. सुटकेचा निश्वास टाकला असेल, थोडस टेन्शन आता मात्र न्यू यंगस्टर वहाळ संघाच्या खेम्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण असं वाटत होतं सुरुवातीला स्कोर होतोय, परंतु प्रतीक पाटीलची विकेट या मॅच मध्ये मात्र बरंच काही सांगून जाणारी असणार आहे, आणि ती विकेट मात्र मिळवले समाधान वासकरनं. मात्र इथे ही विकेट मिळवून दिले आपल्या टीमला, आणि निम्म काम केलंय समाधान भास्करने. इथून मात्र कुंडेवाळ संघाला मॅच जिंकता येऊ शकते,
परंतु स्कोरिंग ग्राउंड आहे मैदानामध्ये एखादी चांगली भागीदारी झाली इथे बाउंड्री लाईन पार करणं सोपं आहे. सिक्सरचे चेंडू आहे, थोडंसं मैदान छोटं आहे, काही सीमारेषा थोड्याशा छोट्या आहेत, त्यामुळे तिथून लगेच चेंडू ट्रॅव्हल होतो. लगेच षटकार सकाळपासून आपण पाहिले असतील, मगाशी 100 धावांचा चेस होत असताना शेवटच्या बॉलपर्यंत मॅच आली होती. लास्ट बॉलला 3 धावांची गरज होती आणि तिथे फक्त एक धाव निघाली. एका धावेनं मात्र विसुंबे संघाला पराभूत व्हावं लागलं होतं, परंतु काय प्रयत्न झाले होते मॅचमध्ये फुल पैसा वसूल. समाधानचा हा बॉल यावेळेस मात्र चांगला कंट्रोल पूल पाहायला मिळतोय. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं चेंडू एक टप्प्यानिशी सीमारेषा पार 4 धावांकरता चौकार. पंचांचा इशारा येणं अजूनही बाकी आहे असं आम्हाला वाटलं चौकार असेल, परंतु पाहूया, थांबूया पंचांसाठी थोडा वेळ. आमच्या समोर झाड आहे. यस, चौकाराचा इशारा मात्र आलाय. धावसंख्या 4 ने पुढे जाईल आणि स्कोर जाऊन पोहोचतो तो 36 या आकड्यावर. 36 ऋषाल घरत आलाय. आणखीन एक चांगला फलंदाज या टीमचा. फुल टॉस बॉल आणि फुल टॉस बॉलला अक्षरशः भिरकावून दिलंय. इट्स अ नो बॉल कॉल. मिड विकेटच्या वरतून तो लावलाय बॉलला. रुशालच्या बॅट मधून आलाय हा षटकार. या 7 धावांचा बोनस मात्र दिला या निर्णय क्षणाला. समाधान वास्कर डोक्याला हात लावतोय. चुकी झाले इथून मात्र गोलंदाजाकडून, कारण नेक्स्ट बॉल पुन्हा एकदा मिळणार आहे तो फ्री हिट. मॅच मध्ये न्यू यंगस्टर वाहाळ संघ प्रतीक पाटीलच्या विकेट नंतर परतत असताना स्कोर कार्ड वर लागल्या 43 धावा. इट्स अ फ्री हिट बॉल आणि रुशाल घरत साठी मात्र ही सुवर्ण संधी. धीम्या गतीनं सोडलेला हा बॉल. स्लोवर वन होता परंतु थोडासा दिशाहीन ठरला. व्हाइट बॉलचा इशारा मात्र पंचांचा येतोय, त्यामुळे ऑब्व्हियसली फ्री हिट मात्र कंटिन्यू असेल. आणखीन एक धाव 44 धावा स्कोर कार्ड वर. फ्री हिटचा बॉल मात्र चालूच राहणार आहे समाधान भास्कर गोलंदाजी मार्कवर. रुशालनं इथे मात्र अगदी स्ट्रेट ड्राईव्ह फटका, वेगवान स्ट्रोक, लॉंग ऑनला फार चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. इथे रनआउटची शक्यता, परंतु थ्रो प्रॉपर यायला हवा होता. सापडला असता कदाचित नॉन स्ट्राइक एंडला सुजल, परंतु थ्रो हा टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बॉल बाउन्स झाला आणि त्याचमुळे मात्र समाधानच्या हातामध्ये कलेक्ट करता आलं नाही त्याला. या 2 धावा मिळतील आणि 2 धावेनं धावसंख्या 46 वर 46. आता बरोबर 21 धावांची आवश्यकता आहे. 13 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 21 नीडेड नाव. भातान टीमच्या कॅप्टनला मी विनंती करतोय आपण येऊन रा. पुन्हा एकदा सरळ पॅटवर फुल टॉस बॉल आणि बॉलला पाठवलंय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं गॅप मध्ये 4 धावांकरता चौकार. विकेट जरूर घेतली होती समाधान वास्करनं. प्रतीक पाटील सगळ्यात मोठी विकेट या मॅच मध्ये टर्निंग पॉइंट ठरू शकली असती, परंतु त्यानंतर रुशाल घरतनं कोणताही प्रेशर न घेता या धावा मात्र जोडल्या. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर वहाळ संघाचं अर्धशतक धावफलकावर. 50 धावा कंप्लीट होत असताना 50 अप जिंकण्यासाठी आता मात्र बरोबर 12 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता.
विजयाकडे वाटचाल करत असताना इथे मात्र जितू गायकवाडवर प्रहार केला जातोय. या चार धावांच्या बरोबरीने टीमची टोटल मात्र जाऊन पोहोचले ती 55 या आकड्यावर 55. इथून विकेटच मात्र कुंडेबाळ संघाला विजय मिळवून देईल. थोडासा कॉन्फिडन्स मी तर म्हणेन थोडासा लो झालाय की काय, कारण क्रिकेट खेळ असा आहे ना कधी काय घडेल या खेळामध्ये नेम नाही आहे, त्यामुळे थोडंसं सिरियसली येऊन क्रिकेट खेळलं, मेहनत घेतली, शेवटपर्यंत मात्र प्रयत्न करत राहिले, जिगरबाज खेळ मात्र तुमचा सुरू ठेवला तर कधीही काही घडू शकतं. समोर खेचलाय फटका अगदी स्ट्रेट डाऊन साईड स्क्रीनच्या वरतून दृश्यालच्या बॅटमधून निघालाय आणखीन एक बहारदार स्ट्रोक षटकार. आता कठीण झालंय, आता कठीण झालंय कुंडेवाळ संघासाठी. आणि इथून फक्त सहा धाव्याची गरज आहे आणि नऊ चेंडू शिल्लक आहेत, त्यामुळे नऊ बॉलमध्ये एखादा तरी फटका बसतोच हे सकाळपासून आपण पाहिलंय. त्यामुळं हा सामना मी तर म्हणेन प्रतीक पाटीलची जी विकेट होती आणि त्यानंतर समाधान वासकरच्या गोलंदाजीवर 18 धावा आल्या ना हा टर्निंग पॉईंट होता. खरं तर ऋषाल घरतनं ज्या पद्धतीनं बॅटिंग केलं ना बिनधास्तपणे, हा बिनधास्तपणा मात्र न्यू यंगस्टर वाळ संघाला आजच्या दिवसातील सगळ्यात लॉंगेस्ट सिक्स लांबलचक षटकार मारून मात्र वहाळ संघ या ठिकाणी विजयाला गवसणी घालतोय. अभिनंदन टीम न्यू यंगस्टर वहाळ. आणि हार्ड लक स्मित आणि प्रियांशी कानोबा कुंडेवाळ संघाचा प्रवास मात्र किंजल ट्रॉफी आदर्श ट्रॉफी मध्ये इथेच संपतोय. आम्ही मनापासून शुभेच्छा देतोय समाधान वासकर आणि त्याच्या संपूर्ण संघाला पुढच्या स्पर्धांसाठी आणि वहाळ टीमच्या कॅप्टनला आमंत्रित करतोय की आपण टॉस करून घ्या. वहाळ विरुद्ध भाताण अशी लढत पाहायला मिळेल. मी विनंती करतोय आमचे सन्माननीय मान्यवर नाथाशेठ गावंड साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी नाणेफेकीचा कौल त्या ठिकाणी संपन्न करणार आहोत. मी विनंती करतोय की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं आणि इथून मात्र टॉस आपण करावा आणि मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर तर दोन्ही टीमचे कॅप्टन सर्वात आधी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या टॉस केला जाईल आणि मॅन ऑफ द मॅच ऑब्व्हियसली 7 बॉलमध्ये 32 धावांची विस्फोटक इनिंग साकारणारा ऋषाल घरत ठरलाय या सामन्याचा हिरो. मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर या पुरस्काराने सन्मानित केले जाईल. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये हा सन्मान वीरेंद्र गावंड मयूर गावंड चांगले खेळाडू आहेत आणि त्यांचे पिताश्री नाथाशेठ गावंड साहेबांच्या शुभासे या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. तर दिती स्पोर्ट्स अर्थातच आबा दिनेशजी पाटील खारकोबर ज्यांच्या वतीनं मात्र पुरस्कृत करण्यात आलेली ही ब्रँडेड कॅप सिक्सर सुप्रीमो केतनजी सेठ ज्यांनी पुरस्कृत केलेले हे इनर्स आणि या किंजल ट्रॉफीची ही मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देऊन त्याचा गौरव केला जातो. अभिनंदन ऋषाल. टॉस केलं जाईल आजच्या दिवसामधील लास्ट मॅच शेवटचा सामना आजच्या दिवसामधील बिग फाईट पाहायला मिळेल. भाताण विरुद्ध वहाळ चार षटकांचा सामना असेल, लढत असेल चार षटकांची आणि नाथा गावंड साहेबांच्या शुभासे हा टॉस केला जातोय. वहाळ संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. आपल्या निर्णयाची लगेच अंमलबजावणी करा लवकरात लवकर आणि गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. लवकरात लवकर आपण स्क्वॉड उतरवा आणि फलंदाजीसाठी भाताण संघ. भाताण संघ बऱ्याच वेळेला टॉस जिंकून फलंदाजी घेतो. संध्याकाळचं सत्र सुद्धा आहे, कदाचित त्यांच्या अपेक्षेनुसार निर्णय आला असेल. आणि मॅन ऑफ द मॅच मिळालेली जी